नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने बताया था कि हमारे पास एक गुड न्यूज़ आने वाला है, तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास एक फीमेल के एंट्री हुई है उसके ये मदर फादर है। तो हमारे पास जो फीमेल की एंट्री हुई है दोस्तों, वो इम्पोर्ट फीमेल है और कंसीव है, प्रेगनेंट है फीमेल। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है दोस्तों, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम डायरेक्ट इम्पोर्ट मतलब वेल्प इम्पोर्ट कोई डॉग लेकर आए हैं। इससे पहले हमने जितने भी लाए थे इम्पोर्ट के सन और डॉटर लाए थे, ब्रीड इन इंडिया था बट वो। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो सरप्राइज़ है आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी हमें वाकई बहुत बेहतरीन लगी। और अगर मैं इसके मेल की बात करूँ दोस्तों, जिस मेल से मेट हुई है वो भी प्योरली जर्मन इम्पोर्ट है, और ये जो बच्चे दोस्तों 100% प्योर जर्मन ब्लड लाइन आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हमने ये मेल की वीडियो डाली जिस मेल से मैट हुई है फीमेल, और ये होने वाले बच्चों का फादर है दोस्तों। इसका नाम है बूम फ्लैश राउस, और ये भी जर्मनी इम्पोर्ट है। तो आई होप दोस्तों, ये बच्चा आप देख सकते हैं जो इनकी वर्किंग कैपेबिलिटी रहती है ना, ये टीमी टोर जो अभी के टाइम पे एक ट्रेंड में चल रहा है डॉग, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो ख़राब डॉग है, बट टिमिटोर दोस्तों उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी जो रहती है ना, वो जर्मन ब्लड रॉटवाइलर से काफ़ी कम रहती है, और यहाँ तक लाइफ स्पैन भी मैंने तो यहाँ तक के देखे दोस्तों कि 6-7 साल में यंग डॉग जो है वो एक्सपायर हो जा रहे हैं जो प्योर टिमिटोर ब्लड लाइन के रहते हैं। और जहाँ तक कि अगर हम जर्मन ब्लड लाइन के देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जर्मन ब्लड लाइन का रॉटवाइलर है, तो इनकी जो लाइफ स्पैन रहती है दोस्तों, वो कई बार 16-17 साल तक भी टच कर लेती है ना। तो आप देख सकते हैं इनकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी रहती बहुत स्ट्रांग रहती है, यही रीज़न है कि ये इतना लंबा लाइफ स्पैन जीते हैं और एक्टिव रह के जीते हैं। तो हमारे पास दोस्तों इन फ्यूचर क्या मतलब हमारी प्राइस अदर ब्रीडर से काफ़ी कम रहेगी। सपोज़ जैसे लोग 1-1.5 लाख इम्पोर्ट ब्लड लाइन का चार्ज करते, हमारा उतना नहीं रहेगा, 50-60 के अराउंड ही रहेगा पर पपी। आप देख सकते हैं ये हमारी जो फीमेल आई है, ये हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये अभी लगभग 15 डेज बच्चा है इसकी डिलीवरी को। और दोस्तों जितनी सुंदर ये आपको वीडियो में लग रही है ना, यकीन माने दोस्तों इसके जो लाइव अगर कोई आप देख लेंगे ना, तो आप हैरान रह जाएंगे जो इसकी स्पीड है, जो इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी है, मतलब ये इसकी स्टेमिना इतनी ज़्यादा है, ये थकती ही नहीं है। और मैंने फर्स्ट टाइम ये जर्मन ब्लड लाइन के डॉग रखे और मैं देख के दंग रह गया। मुझे लगता था कि यार मेरे जो डॉग है ना वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि हम उसको लगभग 1-2 घंटे एक्सरसाइज देते हैं, तो हमें ऐसा लगता था हमारे डॉग की स्टेमिना बहुत बहुत बेहतरीन है। बट जब मैं इस डॉग को लेकर आया, और ये आज ही हमारे पास आई दोस्तों, मैंने कहा भी था कि जिस दिन ये डॉग आएगा उसी दिन हम इसकी पिक्स अपलोड करेंगे, और हमने वैसा किया ही दोस्तों जैसा हमने बताया था। बट जो जर्मन ब्लड लाइन में मुझे सुनने को मिला था ना, वो मुझे देखने को भी मिला। अब कैसे नहीं, इन फ्यूचर कस्टमर डिमांड के ऊपर ही हम चलेंगे, बट मेरी एक इच्छा है दोस्तों कि मैं कुछ तो जर्मन ब्लड लाइन में कलेक्शन रखूंगा। 8-10 डॉग हम रखेंगे, कम से कम 4-5 डॉग रखेंगे जो प्योर जर्मन ब्लड हो। थोड़ा सा दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, हम जैसे कि हमेशा ब्रीडिंग को इम्प्रूव करते हैं, हमने इस बार भी ब्रीडिंग को इम्प्रूव ही किया है, और इस फीमेल्स की इन फ्यूचर भी आपको वीडियोज मिलती रहेगी दोस्तों। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग।